अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, जो है टी टाइम स्नैक्स, बहुत ज़बरदस्त। आप चाय के साथ भी इसे ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी ब्रेड पकौड़ा, तो जी सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रेड की स्लाइसेस, और ये फ्रेश होनी चाहिए ब्रेड जो आप इसमें यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ लिए हैं 3 अदद बड़े आलू, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और फिर हमें इसे, तो जी यहाँ मैंने ली है जी चिकन को, और चिकन जो है मैंने बॉईल कर ली है, उसके बाद बॉईल करने के बाद इसका रेशा कर लिया है। और 1 अदद छोटी प्याज, उसे भी आप चॉप कर लें, और 2 से 3 अदद हरी मिर्च। और हरा धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने मसाले जो लिए हैं, 1 टीस्पून के करीब नमक है, 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च पीसी हुई, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है जी जीरा, जो जीरे को मैं पहले भूनूंगी और फिर मैं इसे पीस लूँगी। मुझे भुना हुआ जीरा इसमें ऐड करना है। तो लीजिए हमारे सारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, हमने जो जीरा था वो भी पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए है 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल, इसे मैं गरम होने के लिए रख देती हूँ। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी हरी प्याज जो थी हमने ली थी, प्याज को हम इसमें ऐड करेंगे। और जी यहाँ मैंने आलू को मैश कर लिया है, आप देख लें बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कीजिएगा, बड़े बड़े आलू ना नज़र आने चाहिए, फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में। तो जी प्याज हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, इसका कच्चापन प्याज का ख़त्म ना हो जाए, जब तक आप इसमें चिकन ऐड ना करें ताकि इसकी स्मेल ना आए। अगर आपको अदरक लहसुन इसमें ऐड करना है तो आप कर लें, आपकी मर्जी है, मैंने ऐड इसमें नहीं किया। तो जी इसमें जो है आप हरी प्याज, बंद गोभी और शिमला मिर्च भी अगर आप इसमें ऐड करेंगे ना, और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा खाने में। तो यहाँ मैंने ऐड किया है चिकन, तो मैंने यहाँ चिकन जो है वो बॉयल चिकन यूज़ किया है। आप चाहें तो टिक्का मसाला चिकन यूज़ भी कर सकते हैं आप, और फिर उसको बनाकर आप उसके रेशो भी बना सकते हैं, वो भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। तो चलें यहाँ ये हो चुका है, और अब इसमें ऐड करते हैं जी आलू को जो हमने मैश कर लिए हैं, और इसमें हम ऐड कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले जो है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च। ज़्यादा इसमें मसाले नहीं हैं, पर ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और यहाँ मैंने ऐड किया है जी 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड किया है इसमें सिरका। और इसे भी आप ऐड करके मिक्स करें अच्छे से, और एंड में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च जो हमने काट के रख दी थी अलहदा करके। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, और मेरे तो यहाँ तक ये थोड़ा सा इसका मसाला बच भी जाता है ना, तो मैं इसकी टिकिया बना लेती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, आप रोटी के साथ खाएं और इमली की चटनी के साथ। तो जी यहाँ मैंने अब लिया है जी 3 टेबल स्पून के करीब बेसन, क्योंकि हमें इसकी कोटिंग भी तैयार करनी है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब जो है मीठा सोडा, हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। अगर आप इसमें ज़ीरा डालना चाहते हैं तो आप इसमें ज़ीरा ऐड कर लें, मैंने इसमें ज़ीरा ऐड नहीं किया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लें ज़ीरा, वो और ज़्यादा टेस्ट आएगा, अच्छा लगता है। और जी धनिया जो है मैंने लिया है, इसे हम चॉप करेंगे अच्छे से बारीक चॉप करके। पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे, और एंड में जो है हम इसे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है इसमें धनिया इसमें ऐड किया है। फ्रेश धनिया लीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से, बहुत अच्छा लगेगा।
चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं और जल्द से जल्द ये बन जाते हैं। और देखिए यहाँ हमारी सारी चीज़ें जो है वो रेडी हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने कॉर्नर से कट कर लिया था। इसके कॉर्नर्स आप वेस्ट ना कीजिएगा, इसे आप धूप में सुखा दें और फिर इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी मैंने यहाँ लिया है एक ब्रेड का स्लाइस और इसे जो है मैं, अगर वैसे तो इस पर जो है ग्रीन चटनी लगती है, मैंने ग्रीन चटनी नहीं लगाई, आप इस पर ग्रीन चटनी लगाएं। और फिर मैंने इस पर जो है ये हमने जो मसाला रेडी किया है वो इस पर लगाएंगे। आप अच्छे तरीके से लगाएं भर के पूरा, ताकि आपको खाने में आसानी हो और मज़े आए। ये बहुत सिंपल से ब्रेड पकौड़ाज है। अगर आपको चटपटे चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी उसमें। और मैंने यहाँ पे दूसरी स्लाइस ले ली है और इसे अच्छे से बंद कर दिया है इसे, और मैं इसको शेप दे देती हूँ। अगर आपको बड़े जंबो साइज का चाहिए ब्रेड पकौड़ा तो आप बड़े कर दें। मैंने यहाँ पे छोटे स्मॉल साइज के बनाए थे, तो ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं स्मॉल साइज के। अगर आप किसी के सामने सर्व करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलें आप सारे रेडी करते हैं। दो शेप्स में इसे कट किया है। अगर आपको गोल शेप में भी कट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चलें बहुत अच्छे लगते हैं अलग अलग शेप्स के अगर आप सर्व करते हैं तो। और यहाँ पे मैंने एक कप जितना ऑयल लिया है उसे अच्छे तरीके से गरम कर लिया है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, उस बैटर में डिप करेंगे और फिर इसमें हम ऑयल में ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से डिप हो जाए। तो देखें ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, अगर ऑयल ठंडा होगा तो आपका ये जो ब्रेड है वो सारा ऑयल जब्स कर लेगी, फिर वो आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। और देखें बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। तो बस नीचे से ये पक जाए तो फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए यहाँ हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। जो हमने इसमें धनिया ऐड किया था, तो देखें आप जब आप सर्व करते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है सर्व करने में। तो लीजिए बहुत ज़बरदस्त ब्रेड पकौड़ा रेडी है, आप इसे चाय के साथ ट्राई करें। तो जी मैं तो चाय नहीं पीती तो मैंने इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ ट्राई किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी है ये, अंदर से ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से जूसी, बहुत ही यम्मी ब्रेड पकौड़ा। तो करते हैं यहाँ वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।